प्रियंका मिश्रा के तार, प्रियंका के मोबाइल से बड़े अधिकारियों के नंबर मिले, मोबाइल में दर्जनों बड़े अधिकारियों के नंबर मिले हैं। पुलिस 2 महीने की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बैंक अकाउंट खंगाले पर 8 माह में 50 लाख ट्रांजेक्शन। पूरे मामले में संपर्क श्रीवास्तव नाम के अधिकारी का जिक्र। सीसीटीवी में अधिकारियों के कमरे में जाती दिखी प्रियंका। संवाददाता समाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाब, इनकम टैक्स में जो धांधली चल रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? समाब, समाब, इनकम टैक्स मुख्यालय में जो रैकेट चल रहा था उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट सामने आ रही है? कौन कौन दोषी पाया गया है और किस प्रकार से छानबीन चल रही है? देखिए, इनकम टैक्स विभाग में जिस तरह से बातें सामने आई हैं तो उसमें साफ तौर पर जाहिर है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका इस पूरे मामले में सीधा जुड़ाव रहा है। जो प्रियंका मिश्रा का नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ FIR हुई है, उसका तमाम बड़े अधिकारियों में के कमरे में आने जाने का फुटेज है। उसके मोबाइल में तमाम लोगों के नंबर सेव हैं और एक अधिकारी है संपर्क श्रीवास्तव, उनका नाम जो है वो बड़ा खुलकर सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे उनका हाथ है। और जाहिर है कि अगर ऐसे अफसर उसमें संलिप्त होंगे तो उनको बचाने के लिए अफसर कहीं ना कहीं कोशिश भी करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स का दफ्तर था वहाँ पर रंगीन पार्टियाँ भी मनाई जाती थी और उसमें अफसर भी शामिल होते थे इनकम टैक्स विभाग के। और ये अफसर जब वहाँ पे शामिल होते थे तो उस वक्त जो है वो उसका पूरा खर्चा प्रियंका मिश्रा जो है वो उठाया करती थी। तो इस पूरे और रैकेट का पर्दा धीरे धीरे करके फाश हो रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो अधिकारी हैं एक दूसरे को जी समाप, आपने रंगीन पार्टियों का जिक्र किया जिसका जो खर्चा वो प्रियंका मिश्रा उठाए करती थी, और जो अधिकारी है संपर्क श्रीवास्तव जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है, किस प्रकार से अब पुलिस इनकी जांच करी, किस प्रकार से इनके फोन के कांटेक्ट डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं? क्योंकि समाब, खबर ये भी सामने आई है कि प्रियंका के कॉन्टेक्ट में बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर मिले हैं। देखिए, अधिकारी अगर इस पूरे मामले में संलिप्त न होते तो शायद जो अफसर इसमें दोषी हैं जिन्होंने मोटी रकम वसूल की है और उनको जो है वो बचाने की कोशिश न की जाती। बताया तो ये भी जा रहा है कि एक अकाउंट से 50 लाख रुपए तक का जो है वो ट्रांजैक्शन किया गया है, यानी नौकरी के नाम पे झांसे देना और लोगों से अवैध वसूली करना, मोटी रकम लेना। इनकम टैक्स के दफ्तर में ये खेल लंबे समय से चल रहा था और ये एक बड़ा रैकेट था जिसमें जो है वो संपर्क श्रीवास्तव जैसे कई अफसर भी इसमें शामिल थे। बहरहाल जब इनकी गर्दन दबाई जाएगी, पुलिस इनको दबोचेगी, तब सारी असलियत खुलकर सामने आएगी। और रही बचाने की बात, तो अफसर जाहिर है कि बचाने का काम करेंगे। कहा जाता है कि जो है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक हुई उल्लू काफ़ी है और हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो जब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं यानी कि भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल समाप्त। देखिए, इनकम टैक्स IT विभाग है, इनकम टैक्स है और यही इस प्रकार की कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। इनका तो कार्य है रेट डालना, जहां पर भी गलत हो रहा है वहां पर लोगों को पकड़ना, लेकिन इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी लोगों का भरोसा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर झांसी से सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर।